हम सबकी ऐसी चाहत होती है कि हम चेहरे से सुंदर दिखें। हमारे व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार हम सब चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें ना? चेहरे पे, फेस पे ग्लो लाने के लिए, एक व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए आपको चेहरे पे फेस पैक लगाना, एक्सरसाइज करना या मसाज करना, वो ही सब मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपको आंतरिक तरीके से है स्वस्थ और सुंदर दिखना है, यानी कि आंतरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक निखार रहेगा। आज के सेशन में यही जानेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और फिर अपन अपने फेस के मसाज पे या फेस की एक्सरसाइज पे आते। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें खाली चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए कॉस्मेटिक महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करना, मसाज करना या फिर फेशियल करवाना या फिर ऊपरी तौर पे हम रख रखाव रखते हैं वो मायने नहीं रखता है। हमें संतुलित आहार लेनी है जिसमें पूरे विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम और मिनरल्स होने चाहिए। उम्र के साथ साथ में 30 के बाद में ऐसा आता है कि हम अपनी लाइफ में या जीवन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो एक तरीके से एक एज के बाद में सब कुछ इम्बैलेंस होने लग जाता है, यानी कि असंतुलन बिगड़ने लग जाता है शरीर का, जिससे हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें योगा और प्राणायाम, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। जिस तरीके से खाना पीना सोना ये एक जीवन का हिस्सा, तो उस तरीके से प्राणायाम को भी एक अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। खाली वॉक करते हो आप तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप योगा और प्राणायाम करते हो तो इससे आपके जो हार्मोन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो एकदम से नियंत्रण में आती है। और जब तक आप इन सब चीजों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक आप चाहे चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए ऊपरी तौर पे कितने भी आप जतन कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो सिर्फ 5-10 दिन के लिए होता है, और आपको जीवन पर्यंत या जब तक आप जिंदा रहें या जब तक आपका जीवन है, तब तक आप सुंदर और एकदम से अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो सब आपको अपनानी। तो आज के सेशन में हम करेंगे फेस की मसाज। फेस की मसाज क्या करें, उससे पहले जो मैंने बताया है उसको अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं, और फिर आपको जो भी मैं बता रही हूँ मसाज कैसे करें तो वो आप, इसमें नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। नारियल तेल अगर है तो वो इस्तेमाल करें, बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी क्रीम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छा रहता है तेल इस्तेमाल करना। मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज से पहले, क्योंकि अपना जो चेहरा चिकना रहेगा तो इसमें मसाज है या वो जो चिकनाई है वो अच्छे से स्किन है त्वचा ऑब्जर्व कर लेती है उसको, और धीरे धीरे फिर उस पे ग्लो आता है। आज अपन मसाज करेंगे स्पून से, मसाज करेंगे हम फिंगर से या हाथ से मसाज करते हैं, तो एक दूसरा तरीका भी है कि स्पून से या चम्मच से मसाज कैसे करें। तो उस मसाज में चम्मच से मसाज करने के क्या फायदे होते हैं, एक तो अपन हाथों को या उंगलियों को चाय जैसे नहीं कर सकते हैं, तो इसको चम्मच से मसाज करने से जो हमारी स्किन होती है वो प्रेस होती है, तो इसमें होती है तो वो धीरे धीरे इससे दबाव पड़ता है तो वो एकदम से लेवल में आता है और स्किन एकदम से क्लियर और लेवल में आ जाती है, इसकी रिंकल्स बहुत अच्छे से हटती है। इसलिए स्पून मसाज आप वीक में एक बार जरूर करें, ज्यादा ना करें तो वीक में एक बार जरूर करें। अच्छे से इस्तेमाल करके ऑयल या मलाई या फिर कोई भी तेल जो आपके सूट करता है वो इस्तेमाल करके और फिर आप कर सकते हैं। कम से कम आप 5 मिनट या 10 मिनट मसाज को जरूर दें, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा और तभी जो आप जो भी क्रीम या तेल लगाते हैं वो अच्छे से आपकी स्किन ऑब्जर्व कर। जो फोरहेड पे रिंकल्स होती हैं, अपने कैसे होती है, अपनी को यूँ आदत होती है इस तरीके से करने की, कई बार किसी फेस के अपने एक्सप्रेशन होते हैं और या फिर यूं यूं करने की आदत होती है, तो या तो लाइनिंग सीधी होती है, फाइन लाइंस जो बनती है, या फिर इस तरीके से टेढ़ी बनती है। तो इसको रिड्यूस कैसे करें हम, तो ये स्पून लेंगे, स्पून लेने के बाद में ऐसे ऊपर करेंगे, इससे आपकी चारों तरफ से करना है आपको। फिर जो अपनी फाइन लाइन स्ट्रेट बनती है उनको दूर करने के लिए इस तरीके से करें। ऐसे अपन हाथ से भी करते हैं लेकिन हाथ से ज्यादा स्पून से अच्छे से प्रेस होता है।
आंखों पे आपको इस तरीके से पहले उल्टा लगाएं इस फोन को, धीरे 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 हल्के हल्के स्पून से आपको प्रेस करना, जिससे रिलैक्स फील हो। इनको गोल गोल घुमा भी सकते हैं आप, घुमाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पून को ऊपर से, जिससे आपकी जो पुतलियां हैं वो हिले और एक एक्सरसाइज का काम करते हैं। फिर स्पून को इस तरीके से सीधा करके इसके इससे आंखों को ढकें। नीचे अपने रिंकल्स होती है तो धीरे धीरे आपको सीधे प्रेस करनी, ना इधर कर खींचना है स्किन को ना इधर, आपको धीरे धीरे प्रेस करनी है इस तरीके से। जो अपने कई कई लोगों की स्वेलिंग्स भी होती है तो उसका भी फायदा रहता है, वो भी रिड्यूस होती है। ध्यान रहे आंख में ना चुभ जाए, इसलिए आराम आराम से प्रेस करना है इस तरीके से। जो अपने यहाँ पे एक उम्र के बाद में रिंकल्स हो जाती हैं या जो स्किन होती है वो इस तरीके से लटक जाती है नीचे की तरफ, तो इसको एक स्पून से आपको ऊपर करना है आईब्रोज को, दूसरी स्पून से आपको इसको गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो आपकी फाइन लाइंस बनती हैं या रिंकल्स बनती हैं तो वो धीरे धीरे दूर होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे धीरे जो जो अपना आईब्रोज होता है उसका एंडिंग पॉइंट होता है उसको इस तरीके से मसाज करना है, तो जो नीचे की तरफ स्किन स्किन आ जाती है लूज होकर के, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ रहती है इस तरीके से। इधर आपको आईब्रो को ऊपर करके इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करनी है। नोज पे जैसे रिंकल्स हो जाती है पास में या यू इस तरीके से, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रेस करें दोनों चम्मच से दबा करके। एक स्पून से सीधा लेके जाए, फिर जो यहाँ से स्किन इस तरीके से आ जाती है या लाफिंग लाइन बन जाती है तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है, ऐसे लेके जाना है। थोड़ा नीचे की तरफ भी लेके आए फिर इस तरीके से चिक्स के पास, स्पून से जो फेस की रिंकल्स होती है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होती है। अपने जो एक एज के बाद में अपने होठ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, फिर धीरे धीरे लिफ्ट होते जाते हैं, यानी कि लूज स्किन होती है तो वो नीचे की तरफ आते रहते हैं। तो इनको कैसे करें, अपन थोड़ा सा प्रेस करके रखें ऐसे गोलाई से लें, ये था अपना फेस मसाज जो स्पून से करते हैं अपन। लेकिन ये तभी इफेक्ट करेगा, तभी प्रभावित करेगा आपके चेहरे पे, जब आपको जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया है कि आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना है, आपको अच्छा खाना लेना है और प्रॉपर प्राणायाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इससे आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा, जो आपके फेस पे निखार आएगा, वो ना मसाज से आएगा
और ना ही किसी पार्लर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से आएगा। तो आपको ये चीजें तो जो बता रही हूँ वो चीजें क्या होती है, एक टेम्परेरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ में अपने जीवन में सुधार करके, अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपना करके, आप आंतरिक रूप से जब स्वस्थ रहते हैं, जो अंदर का जो एक सुंदरता होती है वो आपके चेहरे पे अपने आप आती है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। मिलते हैं फिर किसी सेशन में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।